तो ये गाड़ी अपने पास आई है और ये आई है सर्विस होने। लेकिन इससे पहले गाड़ी के अंदर मैं आपको बताऊं आरपीएम का इशू था। 1200-1300 आरपीएम तक गाड़ी के आइडल रहते थे, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट कर दो 1200-1300 तक रहते थे। गाड़ी कंपनी में गई थी, उन्होंने चेक करके बताया कि भाई इसका अप स्ट्रीम ऑटो सेंसर रिप्लेस करना पड़ेगा, 7-8 हज़ार का पार्ट, तब ये गाड़ी ठीक होगी। साहब मेरे पास गाड़ी को लेके आए थे कि पहले ये प्रॉब्लम सोल्व होगी तब उसके बाद गाड़ी की सर्विस करनी है। इसमें मैंने कुछ भी रिप्लेस नहीं किया है और गाड़ी का एसी भी ऑन कर दिया है। अभी देखो गाड़ी के आरपीएम 1000-1100 तक आ जाएंगे एसी ऑन पे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों निशान माइक्रा पेट्रोल गाड़ी आई है। इस गाड़ी का आज हम करने वाले हैं नॉर्मल सर्विस, इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह, गेयर ऑयल वगैरह सब चीज़ रिप्लेस करेंगे। तो अभी इसकी पहले लाइटें वगैरह चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हॉर्न, वाइपर, ये सारी चीज़ें काम स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। हॉर्न परफेक्ट है, पार्किंग ओके है, डीपर बिल्कुल बढ़िया, इंडिकेटर जल रहा है ये बिल्कुल बढ़िया है, वाइपर भी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं परफेक्टली, ठीक है। ब्रेक रिवर्स बढ़िया है, हजार इंडिकेटर काम कर रहे हैं, रिवर्स गियर लग गया है, एक ही लाइट होती है भाई, ठीक है ना, एक ही लाइट जलेगी, ब्रेक परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो लाइटों से, वाइपर, हॉर्न से गाड़ी बिल्कुल ओके है। अभी हम इसका ऑयल फिल्टर वगैरह खोल लेते हैं। तो अभी मैं गाड़ी के नीचे घुसा हूँ क्योंकि ऑयल, इंजन ऑयल खोलना है। और ये ऑयल फिल्टर जो है इसका देखो लीकेज है, और ये प्यूरोलेटर का ऑयल फिल्टर लगाया हुआ है, निशान का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर नहीं है। और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्यूरोलेटर भी ठीक है। तो अभी खोलते हैं इंजन ऑयल। इंजन ऑयल खोल दिया है भाई, इंजन ऑयल की हालत ख़राब है, ज़्यादा चल गई है गाड़ी, 10,000 से भी ज़्यादा। अब इसको पूरा गिर जाने देते हैं, ऑयल फिल्टर भी खोलते हैं अभी, ज़रा लीकेज हो रहा है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर बहुत ही ज़्यादा लीक हो रहा था भाई, देख रहे हो, ऑयल फिल्टर लगा दिया है नया निशान का, ठीक है। और ड्रेन नट कर दिया है टाइट बिल्कुल तरीके से। और इसका नीचे से ना, इसका एक टाइमिंग कवर लीकेज है, ये साइड से ना टाइमिंग कवर लीकेज है, इस तरफ से पीछे की तरफ से हल्का हल्का सा सीपेज है, इसको भी करेंगे, बताएंगे सर को पहले, ठीक है, फिर उसके बाद अगर अप्रूवल देते हैं तो करेंगे इसको। गियर ऑयल गाड़ी का खोल दिया है, यहाँ से ये नट है सामने, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ उसकी हालत, और यहाँ से हम इसमें फिल करने वाले हैं गियर ऑयल, ऊपर से डाल देते हैं। नया गियर ऑयल गाड़ी में हम डाल रहे हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं डाल के पूरा। और बताओ कितनी कैडी ड्यूटी है। गियर ऑयल हो गया है पूरा, ठीक है, अभी इसको कर देते हैं कंप्लीट। तो ये गियर ऑयल इस गाड़ी के अंदर निकला है, बहुत ही हालत ख़राब है भाई, 60,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 60 के आसपास। ये है इसका देखो, ये टाइमिंग कवर जो है सी पेज हो रहा पूरा, देख रहे हो, लीकेज नहीं है, है ना, ऊपर तक हल्का सा वहाँ से लीकेज है, कोई नहीं, इसको चलने देंगे अभी। और सर कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है थोड़ा सा, है ना। और ये बेल्ट इसकी निकाली है मैंने, बेल्ट इसकी हो गई है क्रैक, ये देखो बेल्ट को करेंगे चेंज। ये वाला इंजन ऑयल हम इसमें डाल रहे हैं 5W30, ठीक है, कैस्ट्रोल मैग्नेटिक, और ये वाला, और ये बेल्ट इसमें हम डाल रहे हैं। मड फ्लैप सेट ले आया हूँ मैं, इसके मड फ्लैप भी चेंज करेंगे हम। तो ये वाला इंजन ऑयल है भाई, ऑयल फिल्टर हम लगा चुके हैं, अभी सील दिखाओ कैस्ट्रोल की, कैस्ट्रोल, ठीक है, हैवी है सील तो बहुत, ये है, इसको हम डाल देते हैं। कैस्ट्रोल हो गया, HP हो गया, मोतुल हो गया, अच्छे अच्छे इंजन ऑयल चल रहे हैं, लेकिन कैस्ट्रोल को सबसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। मैंने भैया को HP का दिखाया था तो भैया ने खुद कहा कि नहीं कैस्ट्रोल मैग्नेटिक ही डालो भाई मेरी गाड़ी में, तो एक फेथ रहता है भाई, विश्वास है भैया को कैस्ट्रोल पे, तो कैस्ट्रोल ही लेके आया हूँ। ये एयर फिल्टर इसके अंदर से निकला है भाई, अच्छा, और ये वाला एयर फिल्टर हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब डालने जा रहे हैं भाई हम एसी फिल्टर, ये इसका एसी फिल्टर देखो, न्यू ब्रांड है एकदम, ठीक है। और एसी फिल्टर की लोकेशन होती है इस तरफ, यहाँ पर ये जो इसका ब्रैकेट है, इसको निकालने के बाद एसी फिल्टर इसके अंदर रहता है यहाँ पर,
ठीक है, ये इसको निकाल लेता हूँ। पहले निकाल तो लिया है, और लास्ट टाइम भाई किसी ने ये फिल्टर डाला होगा, देखो काट के डाल रखा है, ये देखो कटा हुआ है यहाँ से, देख रहे हो ये। अरे पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा क्यों काटा, और हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मिट्टी देखो अंदर इसमें, इसको बदल देते हैं। ये इसकी हालत है अंदर कूलिंग सिस्टम की, देख रहे हो, थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा है, धूल मिट्टी, और ये कूलिंग कोइल पे जो मिट्टी जम रही है ना, ये खुल के ऐसी सर्विस होना मांग रही है, पर जब तक चल रहा है चलने दो। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन भैया जी ने अभी एक महीने पहले ही चेंज करवाया है, डिस्क बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया है, पैड भी बिल्कुल एकदम बढ़िया है, चलेगा 6-7 हज़ार, सोकर बिल्कुल परफेक्ट है भाई, ठीक है। और ये स्टीयरिंग रैक वैक का ये कंट्रोल आर्म डलिए, ये सारे नए ही डला है, सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम टू सेम ऐसे ही काम होकर रखा है, तो बढ़िया है एकदम सस्पेंशन। साथ ही साथ हमने इसमें माइक्रा के जो मड फ्लैप होते हैं वो डाले हैं, ठीक है। ये देखो माइक्रा, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो मड फ्लैप हमने फ्रंट के ही आगे के चेंज करे हैं, पीछे वाले बिल्कुल ओके हैं। ये वाली ड्राइव बेल्ट हम इसमें डालने जा रहे हैं भाई, और देख लो एकदम नई बेल्ट है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम प्लग भी खोल रहे हैं, और दो प्लग इसके अंदर निकले हैं NGK के, और ये प्लग अभी भी ठीक हैं, अभी चलेंगे, हल्का सा गैप इनका एडजस्ट करेंगे, ठीक है, और ये चल जाएंगे अभी, और इसको खोलेंगे मैनिफोल्ड को, क्योंकि तीसरा प्लग भी चेक करना है हमें खोल के। तो भी तीसरा प्लग भी खोला है भाई, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम CNG लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, ये एकदम बढ़िया है, गैप मिला के इनको लगा देते हैं अभी। गाड़ी का हो गया है पूरा कंप्लीट काम, ठीक है, कूलेंट चेक कर लिया है, प्रॉपर है कूलेंट, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर, स्पार्क प्लग भी चेक कर लिए हैं, ठीक है। गाड़ी का गियर ऑयल रिप्लेस कर दिया है हमने, और ड्राइव बेल्ट जो है इसकी बिल्कुल ख़राब थी, हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। ब्रेक फ्लूइड जो है इसकी भी प्रॉपर वो है, प्रॉपर है ब्रेक फ्लूइड, और इसमें थोड़ा सा हम टॉपअप भी कर देंगे, देखो दिखाई दे रहा है ना सामने, और यहाँ तक ये मैक्स तक होता है, मैक्स लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो मैक्स तक इसकी लेवल है, और थोड़ा सा हम इसको पूरा कर देंगे। 2.4 ब्रेक फ्लूइड भाई इसके अंदर डलता है, ठीक है, और ये इसका लेवल हो चुका है भाई, ये तो हो गया कम्प्लीट, थोड़ा बहुत कम था, ये पूरा हो गया है। अभी इंजन ऑयल का लेवल चेक करेंगे, तो इंजन ऑयल 3.5 लीटर इसमें हमने डाला है, और बढ़िया से एक बार साफ़ कर लो कपड़े से, प्रोसीजर ये होता है कि एक बार डाल बाहर निकालने के बाद कपड़े से साफ़ करो, फिर इंजन ऑयल का लेवल चेक करो। तो अभी देखो इंजन ऑयल बिल्कुल प्रॉपर है, H तक है यहाँ तक, ये देखो, ठीक है, इंजन ऑयल बिल्कुल ओके है, और कम्प्लीट हो गया है काम। अब टायर लगा देते हैं इस तरफ का, ठीक है, ये टायर खुला हुआ है, इस तरफ का टायर लगा के गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं। ये मड फ्लैप भी हमने इसमें रिप्लेस किए हैं, हो गई है प्रॉपर, इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह सब भी कुछ रिप्लेस कर दिया है, सस्पेंशन बिल्कुल प्रॉपर था, भैया ने एक महीने पहले सस्पेंशन का सारा काम करवाया था। अभी स्टार्ट करके देख लेते हैं, गाड़ी में कोई लाइट वाइट तो नहीं है, गाड़ी स्टार्ट, और भाई देखो बिल्कुल भी कोई लाइट वाइट नहीं है, AC ऑन है गाड़ी का, ठीक है। अभी चलते हैं बाहर क्या कंडीशन है, भैया अंदर बैठो जरा, एक्सीलेटर देने के लिए बोलूँगा मैं, तो बिल्कुल शांत है इंजन, एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर, और एक्सीलेटर इसलिए दुआया भाई, अगर बेल्ट लूज होगी तो गाड़ी में कुछ साउंड आएगा, विस्लिंग साउंड, ठीक है। अभी गाड़ी एकदम प्रॉपर है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।